वेलकम टू माय चैनल मनीष गुप्ता की किचन। आज मैं आपको बेदमी पूरी सिखाऊंगा। ये दिल्ली में ब्रेकफास्ट में बहुत खाई जाती है और दिल्ली के साथ के लगते हुए इलाके जो उत्तर प्रदेश के हैं वहाँ पे ये बहुत खाई जाती है। उसके लिए मुझे चाहिए आटा। ये मैंने 400 ग्राम के करीब आटा लिया है और इसके अंदर मैं 200 ग्राम के करीब सूजी डाल रहा हूँ। सूजी इसको क्रिस्पनेस देगी। इसमें डाल रहा हूं मैं सौंफ का पाउडर। ये मेरे पास सौंफ का पाउडर है, इसको मैं डाल रहा हूं। ये बहुत अच्छा मुंह में फ्लेवर देगी। इसके बाद डाल रहा हूं टेस्ट के अनुसार नमक। इसमें मैं डाल रहा हूं लाल मिर्च का पाउडर। इसके अंदर डाल रहा हूं मैं छोटा टीस्पून अमचूर पाउडर। ये इसको टेंजीनेस और थोड़ा सा खट्टापन देगा। ये इसमें मैं डाल रहा हूं जिंजर, चॉप जिंजर, ग्रीन चिली। इसमें मैं डाल रहा हूं हींग का पाउडर। इसमें मैं डाल रहा हूं धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरे पास धुली उड़द की दाल है। इसको मैंने 4 घंटे भिगोया है। अब इस दाल को मैं पेस्ट करके इसमें डाल दूंगा। अब इसमें मैं पीसी हुई दाल इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये धुली उड़द की दाल है। अब मैं इससे इसको गूंदूंगा और बाद में मगर मुझे पानी की जरूरत पड़ी तो मैं पानी लूंगा। इसको इस तरह आपने गूंथते जाना। ये हमने इसका डो बना लिया है, इसको बढ़िया गूंथ लिया है हमने। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। और इसको फिर दोबारा से गूंदेंगे एक बारी और इसको फिर हम 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। बेदमी पूरी बनाने के लिए मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं और चकले पे मैंने थोड़ा तेल लगा दिया है और थोड़ा तेल मैंने अपने बेलन पे लगा दिया है। अब इसको हम बेलेंगे। और इसको करेंगे हम फ्राई। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर डाल रहे हैं ये पूरी। बढ़िया इसको सेकेंगे। फिर देखिए एकदम ये फूल गई। थोड़ा हम दूसरी साइड से सेकेंगे और ये पूरी हमारी बनके रेडी। इस तरह से हम सारी पूरियां बना लेंगे। हमारी बेदमी पूरी बनके रेडी है। इसके साथ में दे रहा हूँ आलू की सब्जी। इसके साथ ब्रेकफास्ट में खाइए इसे और एंजॉय कीजिए। हमारी बेद भी पूरी बनके रेडी हो गई है। इसे आप आलू की सब्जी के साथ ब्रेकफास्ट में खाइए, एंजॉय कीजिए। आप चाहे तो इसमें साथ अचार भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।